नमस्ते दर्शकों, फैक्ट क्रेसेंडो के फैक्ट फाइल्स में आपका स्वागत है। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक समाचार पत्र में छपे लेख की तस्वीर वायरल हो रही है। इस लेख में मायावती के फोटो के साथ खबर की हेडलाइन में लिखा है कि भाजपा से मिल सपा को हराएंगे। इस खबर के माध्यम से बोला जा रहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा को साथ देने वाली है। फिर इस तस्वीर की हमने जांच की। खबर की हेडलाइन के साथ हमने फेसबुक पर सर्च किया। हमें 3 अगस्त को शेयर किया हुआ एक फेसबुक पोस्ट मिला जिसमें इस लेख की हाई क्वालिटी तस्वीर उपलब्ध है। बसपा की मायावती उनके विधायकों की बगावत से भड़क गई और वे इसका आरोप अखिलेश यादव पर लगा रही है। इसमें यह लिखा है कि मायावती ने कहा कि वे राज्यसभा के चुनाव का बदला विधान परिषद चुनाव में लेंगी। विधान परिषद के चुनाव में वे किसी भी तरह सपा को हराएंगी। उस दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वे भाजपा से मिलकर समाजवादी पार्टी को हराएगी। उपरोक्त तस्वीर को देखने पर हमें यह पता चला कि यह लेख दैनिक जागरण में छपा था। मायावती ने 2019 लोकसभा चुनावों में सपा से किए गए गठबंधन पर ऐतराज जताया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें सपा से गठबंधन नहीं करना चाहिए था क्योंकि वे भरोसे करने लायक नहीं है। इस मीडिया संदेश में उन्होंने कहा था कि विधान परिषद के चुनाव में सपा को सबक सिखाने के लिए अगर उन्हें भाजपा को वोट देना पड़ा तो वे पीछे नहीं हटेंगी। दरअसल पिछले वर्ष 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए थे। उस दौरान अखिलेश यादव ने बसपा के 7 विधायकों को अपनी तरफ मोड़ लिया था और इस वजह से मायावती उन पर भड़की हुई थी। इस पार्श्वभूमि पर 1 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में वे सपा को हराने की बात कर रही थी। हालांकि मायावती की तरफ से आने वाले यूपी चुनाव में भाजपा के साथ जाने की कोई बात नहीं की गई है। एक साल पुरानी खबर को गलत दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। फिर से हम ये कह सकते हैं कि वायरल हो रही तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत है। यह समाचार पत्र में छपे लेख की तस्वीर पुरानी है। इसमें बसपा प्रमुख मायावती यह कह रही है कि वे विधान परिषद के चुनाव में भाजपा का समर्थन करेगी। इसमें वे 2020 यूपी विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रही थी। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि ऐसे वायरल वीडियो पर भरोसा ना करें, पहले इनकी जांच कर लें। और भी अधिक ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट factcrescendo.com को विजिट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।